कोलाबा ने में एक ALM है काम कोलाबा ALM, उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट किया है. सब आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स में हैं वहाँ पे एक मिस रेनू कपूर हैं जो ALM में है, उन्होंने इनिशिएटिव एज अ ग्रीन चैम्पियन. तो वही हम कहते हैं कि हर एक बंदा, हर एक मुंबईकर अगर चाहे तो वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस कर सकता है. तो उन्होंने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया, उनको मोटिवेट किया. उन्होंने एज अ कम्युनिटी 17,000 कार्टन्स कलेक्ट किए हैं अबाउट 2-2.5 ईयर्स में. और उनके जो 17,000 कार्टन्स जो कलेक्टिवली उन्होंने डिपॉजिट किए, उसके लिए हम बहुत ही उनको मोटिवेट करने के लिए हमने उनको गार्डन बेंचेस डोनेट किए जो टेट्रा पैक कार्टन से ही बने हैं. एवरी सैटरडे मेरे बिल्डिंग से टेट्रा पैक्स कलेक्ट करके बहुत जमने के बाद इधर डिपॉजिट करता हूँ. मुंबई में गार्बेज बहुत बढ़ गया है तो दिस हेल्प्स रिड्यूस गार्बेज बिकॉज दे कन्वर्ट ऑल दीज टेट्रा पैक्स इनटू समथिंग यूजफुल. 8 वर्षापूर्वी आम्ही हे चालू केलं आणि स्टार्टिंग फ्रॉम अगदी 100 पाकिटं आज जवळजवळ 18-20 लाख पाकिटांपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत. जेव्हा ही फॅक्टरी आम्ही टाकली पालघरला टेट्रा पॅक कंपनीच्या मदतीने, मग त्याच्यातून या रूफिंग शीट्स, गार्डन बेंचेस जे आपण बसलेलो आहोत, ते स्कूल बेंच जे आहे ते निर्माण करायला केले. स्कूल बेंचचा खूप फायदा झाला की जवळजवळ डिप्राईव्ड स्कूल आहेत, म्युन्सिपल शाळा आहेत, अशा जवळजवळ 30 शाळांना आम्ही 200-250 बेंचेस आतापर्यंत डोनेट केलेले आहेत. जब ये टेट्रा पैक कार्टन जाते हैं, हम उसको हमारे ग्राइंडर्स के अंदर ग्राइंडिंग करते हैं. जो ग्राइंडिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखता है. ग्राइंडिंग होने के बाद वो हमारे मिक्सचर में जाता है फॉर प्रॉपर मिक्सिंग. और मिक्सिंग होने के बाद वो हमारे यहाँ पे प्रेस सेक्शन में आता है, जहाँ पे वो इवनली MS प्लेट के ऊपर स्प्रेड किया हुआ जाता है. आफ्टर प्रेसिंग वो हमारी हॉट प्रेस में जाता है, जहाँ पे उसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया हुआ जाता है. टेट्रा पैक के अंदर है ना प्लास्टिक रहती है, वो जैसे प्लास्टिक हमारे हॉट प्रेस में जाती है वो मेल्ट हो जाती है. और दो पेपर प्रोडक्ट के बीच में इट एक्ट्स एज अ बॉन्डिंग एजेंट. और हॉट प्रेस से तुरंत वो कोल्ड प्रेस में जाने की वजह से वो हमारे बोर्ड एकदम स्टिफ हो जाता है. शीट फिनिश होने के बाद हम लोग कटिंग ऑपरेशन के लिए भेजते हैं. तो जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है वो हिसाब से हम लोग उसको कटिंग करते हैं. कटिंग में जो भी वेस्टेज जनरेट होती है ना, वो वेस्टेज वापस हम लोग रिसाइकिल करते हैं. तो हमारे ऑपरेशन में देर इज़ जीरो वेस्टेज.